2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा सुनियोजित थी। पुलिस मुख्यालय की इंटेलिजेंस शाखा ने इस बात का खुलासा किया है। वहीं गिरफ्तार हुए लोगों से भी पूछताछ में इस बात की जानकारी मिली है। SC ST एक्ट में बदलावों के खिलाफ हुए भारत बंद के दौरान हिंसा को लेकर इंटेलिजेंस शाखा ने इनपुट एकत्रित किया है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने के लिए लोगों को योजना बनाकर ट्रेनिंग भी दी गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो ग्वालियर और चंबल के आसपास के हिस्सों में करीब 3 दर्जन से ज्यादा संगठनों ने हिंसा फैलाने की साजिश रची थी। इन संगठनों ने अपने विश्वस्त लोगों को लाठी डंडे बांटे, साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इन लोगों को सूचनाएं दी गई। ट्रेनिंग में यह भी बताया गया कि किस व्यक्ति को किस स्थान पर रहना है। कुछ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी हिंसा में शामिल थे, जिनकी रिपोर्ट इंटेलिजेंस ने जुटा ली है। हिंसा में देश के अलग अलग शहरों में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि करोड़ों की संपत्ति आग के हवाले कर दी गई। अब खबर ये है कि इंटेलिजेंस शाखा ने इन संगठनों की पहचान कर ली है और इससे जुड़े लोगों की धरपकड़ जारी है। कैमरामैन अनिल के साथ संगीता सिंह, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।